नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक आरबीएसई रिजल्ट 2019 की अपडेट लेकर आया हूं। और दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि 10वीं 12वीं परीक्षा का रिजल्ट इस दिन जारी किया जाएगा विद 100% प्रूफ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको यह न्यूज़ दी जा रही है, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है आरबीएसई रिजल्ट 2019। जानिए कब आएगा राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट। तो दोस्तों, यह एनडीटीवी की खबर है, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि एनडीटीवी खबर न्यूज़ डेस्क है, ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्तों नीचे की तरफ थोड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप ध्यानपूर्वक, आरबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी करेगा, ठीक है ना। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट वेबसाइट rajresults.nic.in या फिर rajeduworld.rajasthan.government, ठीक है ना, .in पर जारी किया जाएगा, जो कि आपको दोस्तों यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये कब की न्यूज़ है देखिए दोस्तों, अपडेटेड देखिए अप्रैल यानी कि 10 अप्रैल कल की न्यूज़ है 2019 16:06, ठीक है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, यानी कि दोस्तों 4 बजकर शाम के 6 मिनट पर ये की न्यूज़ अपडेट की गई थी, ठीक है ना। तो इस न्यूज़ में आगे और क्या दिया गया है उसे भी हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर न्यूज़ डिटेल से दी गई है, इसे हम रीड करते हैं। नई दिल्ली लिखा है, ठीक है ना। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि दोस्तों आरबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट मई में जारी कर देगा। देखिए, राजस्थान बोर्ड 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट मई के तीसरे या आखिरी सप्ताह में, किसका दोस्तों, 12वीं का, ठीक है ना, जारी कर सकता है। वहीं 10वीं का रिजल्ट जून के पहले सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। हालांकि बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी, तो आगे देखिए दोस्तों आप, होने की उम्मीद है। हालांकि बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी करने की कोई तारीख अभी जारी नहीं की गई है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट इस साइट पर दोस्तों आप जारी किया जाएगा, ठीक है ना, जिस पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। स्टूडेंट्स इन वेबसाइट पर जाकर ही अपना रिजल्ट चेक करवाएंगे। स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर की ज़रूरत होगी, ये आप सभी को पता है। तो यही थी दोस्तों न्यूज़। और मैं आपको बता दूं कि जो 10वीं बोर्ड का रिजल्ट होता है अमूमन जून माह में आ ही जाता है, ठीक है ना। पिछली बार भी 10 जून को रिजल्ट घोषित किया गया था, ठीक है ना। तो जून के पहले या दूसरे सप्ताह में आपको यह ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको यह न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।